नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजस टू में। आज हम बात करने वाले हैं सपने में पीला सांप दिखाई देना कैसा होता है, शुभ संकेत होता है या फिर अशुभ संकेत होता है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको सपने में पीला सांप दिखाई देता है तो ये सपना हमारे लिए शुभ संकेत माना जाता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है। इसके चलते आने वाले दिनों में आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां भी आएगी। अगर वर्तमान समय में आपके मन में जो दुर्बलता है वो दुर्बलता भी खत्म हो जाएगी। इस सपने के बाद आप बड़ी से बड़ी समस्या को अपनी बुद्धि और विवेक से हल कर लेंगे। इसके विपरीत अगर आपको सपने में धारीदार पीला सांप दिखाई देता तो इस सपने के बाद आपके जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि आपको एक साथ बहुत ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। तो इस सपने के बाद आपको अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करनी होगी। इस सपने के बाद आपको अपने इष्ट देव को मनाना होगा। अब बात करते हैं सपने में पीले सांप को खाना कैसा होगा। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म हमेशा से ही प्रकृति का पूजक रहा है। वह हर समय जीव और प्रकृति की पूजा करता है। हम सर्प को खाना तो दूर की बात, उसे मारना भी पाप मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सपनों का क्या, सपने तो सपने ही होते हैं। दोस्तों, सपने में आप देखते हैं कि आप एक पीले सांप को मारकर खा जाते हैं, तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके हाथ से बहुत बड़ी गलती होने वाली है। इस सपने के बाद आपको सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सपने में पीले सांप से लड़ाई करना कैसा होता है। सपने में किसी पीले सांप से लड़ने का सपना देखना हमारे लिए इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आप को वास्तविक जीवन में किसी के साथ लड़ना पड़ सकता है। तो इस सपने के बाद आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सपने में पीले सांप को चलते हुए देखना कैसा होता है। आप सपने में देखते हैं कि एक पीला सांप आपके आंगन में चलता हुआ आ जाता है। तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके विकास और प्रगति की दर धीमी हो जाएगी। अगर आपको सांप तेजी से चलता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्दी ही मंजिल मिल जाएगी। और अगर सांप आपको धीरे धीरे रेंगता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपको मंजिल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। अब बात करते हैं सपने में पीले सांप को पकड़ना कैसा होता है। दोस्तों, आप सपने में खुद को पीले सांप को पकड़ते हुए दिखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये सपने इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके हाथों से कोई ऐसी गलती होने वाली है जिसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे ये सपना आपके लिए एक चेतावनी का काम करता है। हो सकता है कि अनजाने में आपके हाथ से कोई ऐसी गलती हो जिसका भुगतान आपको करना पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं सपने में सफ़ेद और पीला सांप देखना कैसा होता है। अगर आप मानसिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं, आप दिमागी रूप से डिस्टर्ब हैं, फिर भी आपको एक सपना आता है जिसमें आपको सफ़ेद और पीला सांप दिखाई देता है, तो यह सपना आपको सुकून देने वाला माना गया है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिसके चलते आपके आत्मिक मन में शांति छा जाएगी। इसके साथ ये सपना कुछ आराम मिलने का भी संकेत देता है। अब बात करते हैं सपने में पीले सांप का काटना कैसा होता है। आप सपने में देखते हैं कि आपको एक पीले सांप ने काट लिया है, तो ये सपना आपके लिए बहुत बुरा संकेत माना गया है। स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में पीले सांप को काटते हुए दिखता है तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसी स्त्री मिलेगी जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सपने में पीले सांप को मारना कैसा होता है। आप सपने में देखते हैं कि आपके घर में एक पीला सांप आता है और आप उसे लकड़ी या डंडे से मार देते हैं, तो यह सपना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कोई व्यक्ति अपने घर आए सांप को मारता है तो यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में परेशानियों का गमन होने वाला है।
अगर आपके जीवन में ढेर सारी परेशानी है तो इस सपने के बाद सारी परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को पीले सर्प को मारते हुए दिखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपकी तरक्की से दूसरे व्यक्ति को जलन होने वाली है। अब बात करते हैं सपने में पीले सांप को गुस्से में देखना कैसा होता है। अगर सपने में कोई पीला सांप आप पर गुस्सा कर रहा है तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आप किसी भयानक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जिसके चलते आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। बात करते हैं सपने में पीले सांप को गुस्से में देखना कैसा होता है। अगर सपने में कोई पीला सांप गुस्से में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप पर भयानक संकट आने वाला है। आपको एक खौफनाक बीमारी होने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। आपकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। बंगा के अनुसार सांप एक विश्वासघात का प्रतीक भी माना जाता है। जो सांप को दूध पिलाता है लास्ट में सांप उसे ही डस लेता है। इसके लिए एक कहावत है कि विश्वासघात को कहते हैं कि वह आस्तीन का सांप है। दोस्तों, अगर आपको भी सांप से संबंधित बुरे सपने आते हैं तो आप कई तरीकों से इन बुरे सपनों का इलाज कर सकते हैं। आप बुरी आत्माओं और नकारात्मक भावनाओं को सपने से बचने के लिए इष्ट देव से प्रार्थना करें ताकि आपको सुख की अनुभूति हो। आप जब भी सोएं अपने बिस्तर के नीचे लोहे की वस्तु लेकर सोएं ताकि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास खत्म हो जाए। सोते समय बुरे विचारों को अपने दिमाग में न आने दें। सोते समय अगर आप एक कच्चा और पक्का लौंग चारपाई को बांध देते हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। सोते समय अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके बुरे सपने कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पैर की अंगुली पर काला धागा बांध लेते हैं तो इससे भी बुरे सपने आने कम हो जाते हैं। अपने कमरे में अगर आप मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके कमरे में सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होगा, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति का निकास हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने बात की सपने में पीला सांप देखना कैसा होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।